तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कंगना के बयान को बचकाना बताया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कंगना अभी राजनीति में नई नहीं है, भड़काऊ भाषण देना उनकी पुरानी आदत है, वो इस तरह के बयान सनसनी फैलाने के लिए पहले भी देती रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से अब तक हिमाचल को केवल वही बजट मिला है जो उसका हक था, चाहे आपदा आती भी नहीं तो भी वो बजट मिलना था। देखो, हमारे जो माननीय सांसद है कंगना रनौत जी, वो कल जो है वो हवाई जो है वो इंस्पेक्शन की है, और जो उनका बयान है वो बचकाना बयान है, और ये कहना कि केंद्र द्वारा जो है पैसा आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत में वही पैसा दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश का हक था। उसके अलावा एक नया पैसा जो है वो ओवर एंड अबव जो हमारा हक था, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं आया है। कुछ लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री सड़क योजना के विषय में चर्चा करते हैं कि वो पैसा आया है, या प्रधानमंत्री आवास योजना जो पंचायतों की स्कीम है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये स्कीम्स तो नॉर्मल रूटीन की स्कीम्स है, और ये हर स्टेट को जो स्कीम्स है, जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उन स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द शेयर, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल्स, वो हर स्टेट को देती है, और हिमाचल प्रदेश को भी वही पैसा मिला है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश को जो है कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कंगना रनौत जी अभी राजनीति में जो है नई है, उनको सिस्टम का पता नहीं है, और एक फिल्म पर्सनैलिटी होने के नाते चर्चा में आना और एक भड़काऊ बयान देना और एक ऐसे शब्द बोलना जिससे मीडिया में जो है वो सनसनी फैले, उनकी पुरानी आदत है। समय के साथ जो है वो राजनीति सीखेंगी, ये सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किस तरह से चलता है, वो समय के साथ सीख जाएंगे। और केंद्र द्वारा या किसी भी प्रदेश द्वारा कोई पैसा खर्च किया जाता है, वो एक एक नए एक एक पैसे का हिसाब होता है, और वो पैसा जो केंद्र सरकार द्वारा या हिमाचल प्रदेश के भी कोई डिपार्टमेंट या किसी स्कीम का जो पैसा होगा, उसकी ऑडिटिंग होती है, उसकी सैंक्शन होती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है। कोई किसी सरकार या कोई मंत्री, कोई सरकार को अपनी मर्जी से कोई पैसा नहीं खर्च कर सकता।